डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आफ्टर कंपटीशन ऑफ वेक्टर टॉपिक वेक्टर वी स्टार्ट अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। इन दिस टॉपिक वी रीड द मेन फॉर्मूला ऑफ मैथ्स विच आर वी यूज अगेन एंड अगेन इन फिजिक्स व्हेन वी डेराइव डिफरेंट डेरिवेशंस और व्हेन वी सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। देन वी यूज दीज बेसिक फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स। स्पेशली बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली इसको इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो मैथ्स में भी काफ़ी मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं तो उनके वैसे प्रॉब्लम नहीं आती, बट जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बेसिक मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो भी हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, यू कैन सोल्व दीज टॉपिक्स, यू कैन रीड दीज टॉपिक्स वेरी केयरफुली फॉर बायो स्टूडेंट्स। ओके, देन फर्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। यू रीड ट्रिग्नोमेट्री इन 10th क्लास, वही ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा वाइड बुक में अब हमारे 11th क्लास में आती है। तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, फर्स्ट यहाँ एंगल से स्टार्ट करते हैं। एंगल, दिस इज ए लाइन, ऐसे नोट्स में गिवन है लाइन ओ एक्स एंड दिस लाइन ओ पी मैक्स एंड एंगल थीटा फ्रॉम ओ एक्स। वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर एंगल, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। एक फॉर्मूला ये भी हम कई बार लिखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर गिवन है, देखिए द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए लाइन, दिस लाइन ओ पी। ये लाइन ओ पी पहले मान लीजिए ओ एक्स पर कोइंसाइड था, देन इसका जितना रेवोल्यूशन हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग टू विद रेस्पेक्ट टू ओ एक्स ओ एक्स, then this becomes angle. Normally angle is arc upon radius. And हम angle को जो measure करते हैं that is in degree or in radian. And everybody know that in pi radian is equal to 180 degree or 180 degree equal to pi radian. अगर आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो क्या होगा, देखिए अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, इसको आप बना लीजिएगा, देन वी मल्टीप्लाई डिग्री विद पाई बाई 180, और अगर आपको रेडियन से डिग्री में आना है देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 180 अपॉन पाई। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच रेडियन इन 60 degree। अब 60 degree में है, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में, मीन्स वी हैव टू गो डिग्री टू रेडियन। अब रेडियन में पाई आता है तो पाई को आप न्यूमरेटर में लिया हमने, देन पाई मल्टीप्लाई विद 180, देन दिस बिकम्स पाई बाय 3। सो इन 60 degree हाउ मच रेडियन इन 60 degree, पाई बाय 3 रेडियन। अब पाई बाय 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, देन वी radian to degree, this is in radian and we have to convert it in degree, then we multiply it by 180 upon pi, then pi and pi cancel out, this becomes 60 degree. By this method we can change degree to radian and radian to degree. तो ये notes में नहीं है ये वाला line, ये line आप note कर लीजिए। And in pi radian how much degree, in pi radian 180 degree. Okay, अब देखिए एक और पॉइंट गिवन है नोट्स में कि 1 radian, अब 1 radian में कितना डिग्री होगा बताइए, इन 1 radian पाई रेडियन इक्वल टू 180 degree, सो इन 1 radian इज 180 अपॉन पाई। अप्रोक्सीमेटली इसको आप सोल्व करेंगे देन वी गोट 57.3 degree। 1 radian में कितना होगा, इन 1 radian 57.3 degree। ओके, अब देखिए जो एंगल रेडियन मतलब डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स, जब पॉइंट्स में आता है तो डिग्री मिनट एंड सेकेंड, इन 1 degree, 1 degree देयर इज 60 minutes, एंड इन 1 minute देयर इज 60 सेकेंड। तो एंगल को डिग्री
डिग्री के बाद मिनट एंड सेकंड्स आते हैं, रेडियन में पॉइंट्स लिखेंगे, 57.3 डिग्री में 2 × 2.5 रेडियन हाउ मच डिग्री इज देयर, अगर आपको दे दिया 2.5 डिग्री तो आप कर सकते हैं 2.5। अब ये रेडियन है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या आप देखिए इन 1 रेडियन हाउ मच डिग्री, 57.3, तो आप इसको 50.7.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से 180 अपॉन पाई ही क्या है, 57.3। तो रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप यही मेथड काम में लीजिए वाला, और इसको नोट कर लीजिए आप, ये नोट्स में लाइट डायरेक्ट गिवन नहीं है, ठीक है, ये नोट्स भेजे में थ्योरी बहुत ज्यादा है, आपको बस मोटी मोटी बातें पकड़नी है सर से, ठीक है बेटा। देखिए आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देते हैं, इफ दिस एंगल इज थीटा तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये रिमेनिंग दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं हम, व्हाट आर दिस रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। और ट्रिक क्या याद की थी आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मींस व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज कोस थीटा, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। Like that, what is cosec theta? Cosec theta is hypotenuse. नीचे से लेंगे अब हम। Cosec theta is hypotenuse divided by perpendicular. Sec theta is hypotenuse divided by cos theta. Hypotenuse divided by base and cos theta is base divided by perpendicular. So cosec theta is reciprocal of sin theta. Cosec theta equal to 1 upon sin theta. Sec theta equal to 1 upon cos theta and cot theta equal to 1 upon tan theta. ये सब पढ़ चुके हैं आप, वेरी सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से आप ये फॉर्मूले बना सकते हैं कि जब हम डेरिवेशंस करेंगे फिजिक्स में तो ये बार बार काम में आएंगे। व्हाट इज sin theta, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज cos theta, बेस अपॉन हाइपोटेनस। What is tan theta? Perpendicular upon base. Then we need three trigonometric identities. Three trigonometric identities. What are these identities? Number one, sine square theta plus cos square theta equal to 1 plus tan square theta equal to sec square theta and 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. ये three trigonometric identities आपने पढ़ी हैं in 10th class. तो ये 11th physics में we use these identities and these formulas again and again. So we have to learn these formulas very strongly, very clearly. हमें formula याद होने चाहिए. अब देखिए इसके अलावा एक और formula होता है, देखिए यहाँ पर tan theta is, ये नोट्स में नहीं है आप ये भी नोट कीजिएगा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin tan थीटा। सो इन cot थीटा cos थीटा कम्स इन न्यूमरेटर एंड sin थीटा कम्स इन डिनोमिनेटर। तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास इन 10th क्लास वी यूज अगेन एंड अगेन। So these formulas very important for 11th and 12th class also. So we have to learn these formulas. Okay, and this is also important how we can convert degree into radian and in radian into degree. So by this we can convert radian into degree. In pi radian, how much degree? 180 degree.
If we have to convert degree into radian, then we multiply that degree by pi by 180. And if we convert into radian into degree, then we multiply that by 180 upon pi. तो radian में pi आता है, तो pi numerator में आएगा. और degree में pi नहीं आता है, तो pi denominator में आएगा. तो cancel हो जाएगा, solve करने पर answer. ठीक है बेटा? Then we take some questions. जो ये notes हमने आपको मंडे को भेजे हैं, आज जो ट्यूजडे को आज जो हम ये वीडियो भेज रहे हैं, इसमें नोट्स को पूरा एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस गिवन है. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है देखिए बेटा, क्वेश्चन इज साइन थीटा इज 3/5. इफ साइन थीटा इज 3/5 देन व्हाट इज द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? Then sine theta is 3/5. First we make a right angle triangle. Then this angle is theta. Then perpendicular upon base. What is sine theta? Pandit Badri Prashant Haran होने से आप देखेंगे sine theta is perpendicular divided by hypotenuse. So perpendicular is 3, hypotenuse is 5. Then what is the base? तो आप सभी जानते हैं कि perpendicular स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. बाय दिस पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ बेस. देन परपेंडिकुलर इज 3/9. सॉरी, परपेंडिकुलर गलत लिख दिया उसको हमने. यहां क्या आएगा बेटा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. So what is hypotenuse? Hypotenuse is 5. 5 square equal to perpendicular. Perpendicular is 3 square plus base. What is the base? Base को हमें find करना है. Then base square. Then 25 minus 9. 25 square of 5 is 25 minus 9 equal to base square. Then what is base? Base is plus minus. Only plus value it here. Here plus under root 16, then it is 4. Then base is 4. So if base is 4, then sin theta is this. Then what is cos theta? Cos theta is base divided by hypotenuse. What is tan theta? Tan theta is perpendicular upon base, means 3/4. Like that we can find another trigonometric value, another trigonometric ratio. So these questions you have to solve in your notebook. Okay dear students, thank you.